ये ट्रिपल तलाक का जो बिल पास किया गया है लोकसभा में, इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रिपल तलाक का जो मामला है, ये शुरुआत कहाँ से हुई पहले उसके बारे में हमको सोचना होगा। एक सायरा बानो नाम की एक औरत सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करती है, पेटिशन फाइल करती है, जो उनके शौहर रियाज अहमद साहब ने उनको डाइवर्स दिया था। एट ए टाइम ट्रिपल तलाक देने के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया था। उसके बाद से ये ट्रिपल तलाक की गुफ्तगु, डिबेट हर जगह पर अखबारात के ज़रिए से होने लगे। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सायरा बानो के साथ क्या हुआ, रियाज अहमद जो सायरा बानो के हस्बैंड हैं, किन हालात पे उनको डाइवर्स दिया, इसके बारे में भी हमको सोचना होगा। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि सायरा बानो के हस्बैंड ने उनको पहले डाइवर्स देने से पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फैमिली कोर्ट में फाइल किया था। वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मतलब, अगर बीवी अपने साथ में नहीं रहती है या उनके माँ बाप के पास रहती है तो सूरत में शौहर अपनी बीवी के ख़िलाफ़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फैमिली कोर्ट में फाइल करता है और कोर्ट के ज़रिए से उनको घर पे वापस बुलाना चाहता है। तो यहाँ पर सायरा बानो तलाक होने से पहले अपने शौहर के साथ नहीं रहती थी, वो अपने माँ बाप के घर में रहती थी। उसको बुलाने के लिए रियाज अहमद जो उनके शौहर हैं उनको कई मर्तबा उनको कोशिश की कि उनके घर में वापस बुलाएं, लेकिन नहीं आने पर उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फाइल किया। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फाइल करने के बावजूद भी सायरा बानो अपने शौहर के पास वापस नहीं आए। नहीं आने की सूरत में मजबूरन जो है रियाज अहमद ने अपनी बीवी को ये तमाम वजूहात बताकर, आप मेरे साथ में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, मैं आपको घर में वापस बुलाने की कई मर्तबा कोशिश की है और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट डालने के बावजूद भी आप जो है वहाँ पर नहीं आए, कई मर्तबा कोर्ट के ज़रिए से भी रिकन्सिलिएशन की कोशिश भी की गई, उसके बावजूद भी नहीं है, जिसके वजह से मैं मजबूर होकर आपको मैं तलाक दे रहा हूँ। ये तलाक होने के बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद फैसला आता है कि वो केस भी जो दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए फाइल नहीं किया गया वो सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं फाइल किया गया था। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया गया था कि मुझे जो तलाक दिया गया है वो गलत है, वॉइड है, इसके ऊपर फैसला सुनाओ, बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये जो ट्रिपल तलाक दिया गया है कि ये तलाक सही नहीं है, ये गलत है। तो उसमें 5 जजेस थे टोटल, 5 जज में 3 जज ने वॉइड है बोले बताया और दो जजों ने सही है बोलकर बताया। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जजेस के बुनियाद पे वहाँ पर डिबेट हुआ, फिर कानून बनाने दो जजों ने ये कहा कि इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए, तो वही ग्राउंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वही ग्राउंड, जबकि माइनॉरिटी में आता है, वो दो जजों का नज़रिया था कि वहाँ पर कानून बनाए, लेकिन 3 जजों ने ये उनका नज़रिया नहीं था, उनका नज़रिया एक ही था कि ट्रिपल तलाक एट ए टाइम देना ये वाइड है, गलत है। तो यही था। तो इसकी बुनियाद पर रविशंकर प्रसाद साहब लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर ने एक बिल तैयार किया और बिल जब तैयार किया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी ये नहीं है कि वहाँ पर पैनल क्रिमिनलाइज बनाए, कानून बनाए, ऐसा कानून बनाए कि वहाँ पर शौहर को जेल को भेज देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के नज़रिया ये नहीं था कि शौहर को जो है अगर ट्रिपल तलाक देता है उसको क्रिमिनल केस दाखिल करना, उसको जेल को भेजने का वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि ये एट ए टाइम 3 मरतबा तलाक देना ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अन इस्लामिक है, ये उनका जो है फाइंडिंग्स थी।
तो यहाँ पर ये इन्होंने जानबूझकर इंटेंशनली ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया और उसके बाद से जो है गुफ्तगू हुई। पहली मर्तबा जब पेश किया गया था कांग्रेस ने उसको तायद की थी, उसके बाद लोकसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा को चले गया, राज्यसभा में फिर उसको बिल में सेलेक्ट कमेटी को भेजने का मुतालबा किया अपोजिशन ने, जिसके बाद से वो बिल वहीं पर रुक गया था। उसके बाद बिल वापस हो गया। बिल वापस होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने फिर एक मर्तबा सितंबर के महीने में एक ऑर्डिनेंस पास किया वही कानून को लेकर। ऑर्डिनेंस पास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा, उसको अप्रूवल मिल गया। वो ऑर्डिनेंस के बाद फिर अब रिसेंटली जो और एक बार फिर लोकसभा में बिल को पेश करके उसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए हैं कि वो कंपाउंडेबल अफेंस है, थोड़े से चेंजेस। कंपाउंडेबल मतलब केस होने के बाद भी हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्रोमाइज कर ले सकते हैं, तो ये थोड़े से चेंजेस करके फिर और एक बार बिल बनाए हैं। वहाँ पर इस बार कांग्रेस ने उसकी मुखालिफत की। अब जो है मामला राज्यसभा को पहुँचा है, हो सकता है कल यानि 3 तारीख को वो राज्यसभा में सामने आएगा, उसके ऊपर बहस होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी अपने जजमेंट में ये नहीं कहा कि क्रिमिनल कानून बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ये कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में पहला नहीं है। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रिपल तलाक इलीगल है, वैड है, एट ए टाइम 3 मरतबा तलाक देना वैड है, तो ख़त्म हो गई बात, उसको कानून बनाने की ज़रूरत नहीं। आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है तो वो लॉ बन जाता है, जब लॉ बन जाता है तो उसको लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर है। फिर भी इनकेस अगर इनको कानून भी अगर बनाना ये हुकूमत अगर चाहती है तो ऑलरेडी एक कानून है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये एक्ट ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्टिंग लॉ है, उसी के अंदर वही एक्ट के अंदर ये लोग अमेंडमेंट कर सकते थे। उसके अंदर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर अमेंडमेंट करके उसको इंसर्ट कर सकते, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी, मुस्लिम खवातीन के लिए इंसाफ देना चाहते हैं। ये एक ड्रामा है, ये नौटंकी है, सीधा सीधा उनके रविशंकर प्रसाद और तमाम वो बीजेपी के लोग जो पार्लियामेंट के अंदर बहस कर रहे हैं उनके चेहरों पे जाहिर हो रहा है कि वो नौटंकी कर रहे हैं। उन लोगों को अगर हकीकत में अगर हमदर्दी है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार के ताल्लुक से सोचना चाहिए। ये ट्रिपल तलाक ये हमारे पर्सनल लॉ का मामला है, उसके अंदर उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आज नौजवान ये चाहता है कि हमको रोज़गार मिले, यहाँ पर जहाँ ये इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने डिबेट किया है, बहुत सारे अपने अपने बयानत में कह दिए हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। सही बात है, क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर करते हैं तो ये लोगों की सिर्फ और सिर्फ बदमाशी है, ये वोट पोलराइजेशन की एक टैक्टिस है, जिसकी वजह से ये बिल जो वापस आया था उसके बाद फिर एक बार उसको लोकसभा में लाते हैं। और उनको ये भी मालूम है कि ये जो बिल पेश किया गया है ये बिल लोकसभा में तो पास होगा लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होगा, ये लोगों का अंदाज़ा है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग बताना चाहते हैं कि हमने कोशिश की थी, लेकिन इनका असल मकसद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना, ये उन लोगों का असली मकसद है। ये सिर्फ ट्रिपल तलाक के बिल के ज़रिए से सिर्फ माइक टेस्टिंग करते ना, हेलो माइक टेस्टिंग तरह जो है ये ट्रिपल तलाक के कानून को यहाँ पर लाए हैं। यहाँ पर मुझे यकीन है राज्यसभा के अंदर वो ट्रिपल तलाक का बिल फिर वापस चले जाएगा, वो वहाँ पर उसको मेजॉरिटी नहीं है, वो लोगों की सिर्फ बीजेपी के पास 73 मेंबर्स हैं, उनके पार्टनर्स जो पार्टी उनको तायद एनडीए के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो लोग ये बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा है। कल शायद
राज्यसभा में अगर मामला आएगा, उसके ऊपर अगर बहस होगी या वोटिंग होगी तो वो बिल वापस हो जाएगा। इसके ऊपर जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं इस बार सपोर्ट किया है पार्टीज ने, इसके बारे में क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये इसमें हैं कि कांग्रेस का स्टैंड बहुत अच्छा रहा, कांग्रेस ने बिल को बहुत ही अच्छे अंदाज में मुखालिफत की और दिगर सेकुलर पार्टियों ने भी बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ पर लोकसभा के अंदर मुखालिफत की और अच्छी तरह से बहस भी किया। मैं भी उसके ताल्लुक से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बहस तो बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, उसमें से एक दो MP ने कुरान को भी पढ़ा, वहाँ पर कुरान को समझने की भी कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर बिल पेश किया गया है तो कांग्रेस पार्टी या दीगर पार्टी जो अपोजिशन में हैं, वो लोग ये मुतालिबा नहीं करना चाहिए था कि ये बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। अगर मुखालिफत करते हैं तो पूरी तरह से मुखालिफत होना चाहिए, अगर उसको अपोज करते हैं तो पूरी तरह से अपोज होना चाहिए। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप शरीयत में इंटरफ्रेंस है, शरीयत के अंदर मुदाखलत की जा रही है, ये सब बहस हो रही है, लेकिन ये बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का मुतालिबा क्यों कर रहे हैं? सेलेक्ट कमेटी को भेजने का मतलब क्या है कि ये जो कानून है, ये कानून कमज़ोर कानून है, इसको अच्छा कानून बनाकर लाओ। तो अच्छा कानून बनाकर लाने के बाद क्या शरीयत के अंदर मुदाखलत नहीं होगी? आपको ये होना चाहिए था कि आप ये बिल को खारिज करने की बात होनी चाहिए। ये टोटली ये पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत हो रही है, यहाँ पर आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट के साथ वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये तमाम फंडामेंटल राइट हैं, ये फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। इसको नज़र में रखते हुए ये बिल को खारिज करने का मुतालिबा करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इतने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़, वहाँ पर सेलेक्ट कमेटी तकिया कलाम बन चुका है। सेलेक्ट कमेटी का मतलब क्या है? कानून को और मजबूत बनाने का? तो जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है तो सीधा खारिज करना चाहिए था, खारिज करने का मुतालिबा करना चाहिए था। ये बिल हम नहीं मानेंगे, बिल हम इसको बिल के खारिज करते हैं, यहाँ बोल के खारिज करना चाहिए था। जब वोटिंग का मामला आया, जब लोकसभा के अंदर वोटिंग हो रही थी, तो आप वॉकआउट क्यों हुए? रुकना चाहिए था वहाँ पर, लोकसभा में रुकना चाहिए था, फेस करना चाहिए था। जब जंग चलती है तो उसमें शिकस्त हो या जीत हो, आपको पहले लड़ना तो चाहिए। अधूरी लड़ाई करके आप भाग कर जाते हैं पार्लियामेंट के बाहर, परवाह नहीं, आपके पास नंबर नहीं होंगे, आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहाँ पर खड़े होकर आप वोट डालकर आप उसकी मजम्मत कर सकते थे, वहाँ पर वोट डालना चाहिए था। अगर आपके पास 50 मेंबर ही क्यों ना हो, लेकिन आपका काम था वहीं पर खड़े होकर वहाँ पर वोटिंग डालकर आप वहाँ पर एक मुजाहरा सही मानों में उसकी मुखालिफत की बात हो सकती थी। यहाँ पर कांग्रेस भी वही कर रही है दिखाने के लिए, दूसरे पार्टियाँ भी वही कर रहे हैं। हम ये कानून को मानने वाले नहीं हैं, हम क्लियर खुले अल्फाजों में हम ये कहना चाहते हैं, ये कानून को मानने वाले नहीं हैं। कानून का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, कानून की नौबत ही नहीं आएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी, ये शादी का जो मामला होता है हस्बैंड एंड वाइफ, ये मोहब्बत का मामला है, दो मियाँ बीवी के बीच में एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर वहाँ पर मैं तो ये अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि कभी किसी की ज़िंदगी में तलाक का मामला आए नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी से रहे। तलाक कौन चाहता है? तलाक कोई भी देना नहीं चाहता, लेकिन कुछ हालात होते हैं, कुछ सिचुएशन आते हैं, कुछ सर्कमटेंसेस पैदा होते हैं कि जहाँ पर बीवी को तलाक लेना पड़ता है या शोहर को तलाक लेना पड़ता है। जब एक शादी होती है, शादी होने के बाद कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अब तलाक का, डाइवोर्स का अगर रिसर्च, अगर जो जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं वहाँ पर सबसे कम परसेंटेज मुस्लिम्स का है। तलाक तो वहाँ पर दूसरे जो मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तलाक नहीं ले सकते, जिसकी वजह से वो लोग जो है दूसरे औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रख रहे हैं, इलिसिट रिलेशनशिप रखते हैं। यहाँ पर तलाक देना आसान इसलिए किया गया है कि गुनाह से रोक महरूम रहे,
गुनाह करने से रुक जाए, अगर तलाक नहीं देंगे तो वहाँ पर आदमी जो है दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुकात करेगा, जिनाखोरी करेगा। तो यहाँ पर दूसरे जो मज़हब में हैं उनको तलाक लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, वो इमिडिएटली उनको तलाक नहीं मिलता। फैमिली कोर्ट में जाके उनको तलाक का डाइवर्स पिटीशन फाइल करना पड़ता है, डाइवर्स पिटीशन फाइल होने के बाद 6 महीने तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करने के बाद जब उसके बाद नोटिस जाएगी, शौहर आकर हाजिर होगा कोर्ट के अंदर, फिर वो जवाबी दावा डालेगा, जवाबी डालने के बाद एविडेंस होगा, एविडेंस के बाद आर्गूमेंट होगी, आर्गूमेंट के बाद जजमेंट होगा। वो जजमेंट अगर बीवी के फेवर में आएगा तो शौहर हाईकोर्ट को जाएगा, अगर शौहर के फेवर में आएगा तो बीवी हाईकोर्ट को चली जाएगी, फिर हाईकोर्ट में फैसला आएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये 10 साल तक कम से कम 10 साल सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो 10 साल तक उसका उसकी जो एज है, उम्र है, चाहे वो शौहर की उम्र रहने दो चाहे बीवी की उम्र होने दो, क्योंकि एक मैरिटल एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कोर्ट कचहरी में अगर मियाँ बीवी अगर फिरते बैठेंगे तो उनकी लाइफ ख़राब नहीं होगी, उसमें उनकी लाइफ ख़राब नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो शरीयती कानून जो है इतना खूबसूरत है, इस्लामिक कानून इतना खूबसूरत है, और कानून हमारे कुरान के अंदर है ऑलरेडी, हमको कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। कुरान के अंदर सूरह बकरा 228 से लेकर 241 तक, और सूरह अन्निसा के अंदर पूरा जिक्र है। उसके अंदर तलाक बोले तो सीधा क्या सीधा तलाक नहीं देते हैं, तलाक देने से पहले सूरह अन्निसा आयत नंबर 34 के अंदर फैमिली ऑफ द वाइफ, फैमिली ऑफ द हस्बैंड दोनों बैठ के वहाँ पर कंसिलेशन करने की कोशिश करने का वहाँ पर कुरान के अंदर जिक्र है। तो ये कानून लाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स की जा रही है, वोट के लिए, यहाँ पर पोलराइजेशन के लिए, जबकि ये मुल्क ये चाहता है कि हमको यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर हमको नौकरियाँ मिले, हम यहाँ पर ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। ये सिर्फ मस्जिद मंदिर वो गौकशी का मामला, लव जिहाद का मामला, ट्रिपल तलाक, सिर्फ ये 4.5 साल सिर्फ यही चला है, नोटबंदी, GST और दूसरा क्या किए हैं, क्या। मैं उनसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि BJP की हुकूमत जब से आई है, तमाम 125 करोड़ एक उम्मीद के साथ उनको वोट डालकर वहां पर भेजी थी, हुकूमत बनाई थी, एक उम्मीद कर रही थी कि ये BJP की हुकूमत आने के बाद कुछ ना कुछ होगा, क्या किए बताइए। मैं तमाम लोगों से, वो जितने भी मोदी के भक्त हैं जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि ये 4.5 साल में ये हुकूमत ने क्या काम किया। सिर्फ यही मॉब लिंचिंग, गई के नाम पे कत्ल, लव जिहाद के नाम पे कत्ल, हर जगह पर गाली गलौज, मंदिर बनाएंगे, ये हिंदू ये मुस्लिम जात पात पर लड़ाना, जात पात पर कम्युनल वायलेंस कराना, ये जात पात के नाम पर किसी का कत्ल करना, यही काम 4.5 साल पूरा यही काम करते आए हैं। तो ये लोगों को सबक सिखाना होगा। ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी BJP के अंदर जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, ये लोगों को आईना दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क डेमोक्रेटिकली जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर इसी की तो यही तो मैं सब दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं होगा, उतना खूबसूरत मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग मिल कर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, इतना खूबसूरत मुल्क है। और ये जो लोग हैं सिर्फ हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पावर के लिए हमको लड़ा रहे हैं, हमको समझना होगा।